कौन सी सर आप? बीजेपी के खिलाफ बोल रहा हूँ, कांग्रेस से हूँ मैं। लाल मसाला पी ले कांग्रेस से। कमलनाथ ने क्या काम? हाँ सब कुछ करें, सब पूरे सिस्टम। आज तक गांव में नहीं आए, आज तक अभी तक नहीं आया। आराम से क्या करे बस, 2000 बोल रहे थे बेबी माफ नहीं पाए। भाई साहब इनका यही काम है, थोड़ी सी मिल गई पीने को मिल गई, कमलनाथ जी जिंदाबाद। और जब मिली नहीं तो फिर कहते कि नहीं यार संबल योजना का पैसा दे दे, मेरी घरवाली के पास पैसा नहीं है, लाडली बहना का पैसा मिल रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूथ मीडिया टीवी पर, मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। मध्य प्रदेश में चुनाव है और चुनाव में क्या होने वाला है ये लगातार हम जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है। आज हम मौजूद हैं छिंदवाड़ा जिला की चोरई विधानसभा में, यहाँ की जनता से जानेंगे कि इस बार वो किसको देख रहे हैं और साथ ही कमलनाथ या शिवराज सिंह चौहान किस पर मोहर लगाने वाली है जनता। तो जनता हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? रोहित वर्मा। रोहित जी चुनाव नजदीक है तो क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनाने का मन बनाया है? शिवराज सिंह की सरकार। शिवराज सिंह की सरकार, हाँ। ऐसा क्यों? कमलनाथ जी ये उनका जिला है, गढ़ है, कह रहे कमलनाथ जी की सरकार बननी चाहिए, उसमें सभी योजनाएं लागू है, लाडली बहना से लेके संबल योजना है और प्रधानमंत्री मोदी सम्मान निधि मिल रही है, सब चीज मिल रही है। हाँ यहाँ पानी टंकी है, सब चीज है बन चुकी है, सारी चीजों की सुविधा मिल रही है। हाँ सारी चीज। लेकिन छिंदवाड़ा कहा जाता है कमलनाथ जी का गढ़, तो क्या इस बार कमलनाथ जी हारने वाले हैं क्या? नहीं, कमलनाथ जी हारने वाले तो नहीं है, पर माने के नहीं वो बात भी नहीं है, पर यहाँ से माने कि कमल फूल निकलेगा इस विधानसभा से। हाँ मतलब मामा के सामने कोई नहीं टिक रहा है। हाँ क्या लग रहा है भाई साहब, किसकी सरकार बनवा रहे हैं इस बार? इस बार मोदी की सरकार बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि कह रहे हैं कि कुछ करते नहीं है, कांग्रेस बड़े बड़े आरोप लगा रही है। नहीं भाई कहा है, देखो पेंशन दे रही है जी तुम्हारी, क्या कहते हैं विधवा पेंशन दे रही है। हाँ। तुम्हारी जो हजार हजार रुपए जी भी डाल रहा है औरतें की। हाँ। ऐसे सब बहुत सी योजना है रही। हाँ। योजना मिल रही है। हाँ मिल रही है, इसलिए यहाँ पर मामा। हाँ। की सरकार बनवा रहे। हाँ किसान लोगों को भी दो दो हजार रुपए मिल रहा है। कमलनाथ जी भी तो है, कमलनाथ जी को नहीं देखते क्या? छिंदवाड़ा जिला कमलनाथ जी का कहा जाता है। कोई योजना दिए नहीं उन्हें तो क्या देखेंगे? उनने कोई योजना हमको दिए नहीं तो क्या देखेंगे? अरे सांसद भर रहे हैं, वे सांसद भर रहे हैं यहाँ के, पर यहाँ पर कभी माने कि आते नहीं, जाते नहीं कभी, उनके काम माने कि ना विधायक आते ना कोई आते। मतलब जो सांसद रहे तब भी नहीं आते? नहीं आते। लेकिन कह रहे हैं कि है क्या? अभी तक नहीं आए। अभी तक नहीं आए, नहीं आए तो नाराज हो क्या उनसे? अभी नाराज है अभी। लेकिन कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनाना चाहिए उनको तो? नहीं शिवराज सिंह चौहान बनेंगे। शिवराज सिंह चौहान बनेंगे? हाँ जी। क्या वजह है उनको मुख्यमंत्री बनाने की? लाडली बहना मिल रही है। हाँ। किसान सम्मान निधि मिल रही है, पेंशन मिल रही है। हाँ। क्या बैठे कोई बीमार हो कभी तत्काल गाड़ी पहुंचा शिवराज चौहान घर पे। हाँ। बोले जाता है छिंदवाड़ा भर्ती कर देता है, इतनी योजना मिल रही है। हाँ तो इसलिए मामा आ रहे हैं या जा रहे हैं? मामा आ रहा है। हाँ मामा घर आ रहा है, कमलनाथ जा रहा है, कमलनाथ जा रहा है, गया गया गए बहुत गए कमलनाथ जी, बहुत दूर गए। अब छिंदवाड़ा जिला सा बाहर हो जाएंगे इस साल में, छिंदवाड़ा जिला सा बाहर हो जाएंगे इस साल में। लेकिन छिंदवाड़ा उनका जिला, उनका गढ़ कहा जाएगा? घर का करेगा गढ़, गढ़ बहुत थोड़ी दे रहा हूँ कमलनाथ भाई बहन कर और डिगरन का बीमार हो जाता है, एक गाड़ी नहीं मिले की मोटरसाइकिल के ले जाओ का इलाज करवाना, वो गाड़ी पहुँचाता है यहाँ। तो छिंदवाड़ा में कमलनाथ की लहर नहीं है? नहीं कुछ नहीं है लहर है, कुछ लहर नहीं है। नहीं तो फिर जो सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, वो कैसे होगा? वो सपना देख ले खूब पोते ही, सपना सपना रह जाएगा। हाँ अब सपना रहेगा उसका बस। तो कांग्रेस की लहर खत्म? खत्म। छिंदवाड़ा में भी मामा? मामा छिंदवाड़ा में मामा, मामा के चौरई में मामा, छिंदवाड़ा में मामा, चौरई में मामा, चौरई में मामा, फूल फूल जीतेगा, फूल जीतेगा। रुक जाइए, क्या नाम है? नाम बताइए। रामगोपाल साहू बोल रहा हूँ मैं। कौन सी बीजेपी? कौन सी सर आप? बीजेपी के खिलाफ बोल रहा हूँ, कांग्रेस से हूँ मैं। लाल मसाला पी ले कांग्रेस से। कमलनाथ ने क्या काम? हाँ सब कुछ करें, सब पूरे सिस्टम। आज तक गांव में नहीं आए, आज तक अभी तक नहीं आया। आराम से करे बस, 2000 बोल रहे थे बेबी माफ नहीं पाए, सब किसान का चूतिया माफ नहीं किया, नहीं किया कर्जा माफ नहीं किया।
कर्जा माफ नहीं किया, 2 लाख की घोषणा किया और 1 रुपए माफ नहीं किया। 1 रुपए माफ नहीं किया, कर्जा माफ करूंगा बोला था मगर 1.5 साल हो गए कोई 1 रुपए माफ नहीं हुआ। यहाँ पे शिवराज जी की सरकार, छिंदवाड़ा में तो कमलनाथ जी का गढ़ है, कमलनाथ जी का गढ़ उनको बोला जाता था जब जे 45 वर्षों से यहाँ पे डटे रहे, ये उद्योग मंत्री रहे, उद्योग वाणिज्य मंत्री रहे छिंदवाड़ा जिले से, इन्होंने जनता को पूरे बरगलाने का काम किया, इन्होंने 1% काम नहीं किया। जबकि जे यहाँ उद्योग मंत्री होते हुए इतने छिंदवाड़ा में इतने उद्योग धंधे होते कि यहाँ पे हर बेरोजगार व्यक्ति रोजगार से लग जाता। इनके इनके लोग भी जो विधायक होते हैं, अभी यहाँ पे सुजीत महासब जी थे, जे जब चुनाव चुनाव का दिन आता है इनके लोग कुछ यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जब चुनाव आता है जैसे पैसा आया तो जे माल तेज करके कमलनाथ जी जिंदाबाद, कमलनाथ जी जिंदाबाद, और जैसे चुनाव हुआ और धोखा से जीत गए तो जे 5 साल इनको सब आया। गढ़ तो ये छिंदवाड़ा जो है वो कमलनाथ बोल, आप बताइए। अरे देखिए पहले ये कौन सी पी है, पहले तो ये बताइए शराब कौन सी पी? नहीं हम मिलेन प्लेन कोई पी ले जी, कोई ऐसी होती बात। कमलनाथ जी पीने के बाद याद आ रहे हैं ये रोज? कमलनाथ जी के नहीं, कमलनाथ जी जो करते हैं ना वो सत्य करते। अभी कर्जा माफ हुआ जी इस टाइम, क्या नहीं कर्जा माफ हुआ? दोनों पी क्या है क्या? नहीं नहीं कर्जा भाई, भाई भाई साहब उन्होंने बताया कि मैंने प्लेन की पी के आया हूँ। भाई साहब इनका यही काम है, थोड़ी सी मिल गई पीने को मिल गई, कमलनाथ जी जिंदाबाद। और जब मिली नहीं तो फिर कहते कि नहीं यार संबल योजना का पैसा दे दे, मेरी घरवाली के पास पैसा नहीं है, लाडली बहना का पैसा मिल रहा है वो वाला मांग के जे लोग पीते और नाम उनका। तो यहाँ जे कमलनाथ जी जो है कि सिर्फ जनता को लूटने का काम कर रहे दोनों। क्या पीने के बाद याद आ रहा है? क्या पीने के बाद इनको याद आता है? बाप बेटा, बाप कहता कि मैं मुख्यमंत्री करके लूटूंगा और बेटा बोलता कि मैं सांसद से लूटूंगा। इनका बरगलाने का काम है, इन्होंने 45 से 50 वर्ष इनके हो गए और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बैठेगी। मैं ग्राम चिकली खुर्दे से हरि नारायण वर्मा, और यहाँ पे कुछ लोग अभी टिकट के विषय में भी मैं बोलता हूँ, लखन वर्मा जी जो है बड़े गुस्से में, कर्जा किसका? कर्जा माफ हुआ सबके, बीजेपी के ना कांग्रेस का, कांग्रेस ही पी के आ गए क्या? नहीं वही पी ली? नहीं कांग्रेस कर्जा जो माफ हुआ सबका हुआ, ना बीजेपी देख के हुआ ना कांग्रेस देख के हुआ, सबका माफ हुआ ना? नहीं नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं कुछ नहीं हुआ। मेरा कर्जा माफ नहीं हुआ, मेरा 2 लाख का कर्जा माफ था वो माफ नहीं हुआ। अरे हुआ है, कमलनाथ ने घोटाला किया, हाँ घोटाला किया कमलनाथ। कैसा घोटाला? क्यों नहीं, कमलनाथ ने 2 लाख मेरा माफ नहीं कह दिया। ये आपके मित्र हैं, दोनों साथ बैठ के पी रहे थे यार, ये कह रहे कि कमलनाथ घोटाला, मेरे कर्जा माफ नहीं किया, ईमानदारी ईमानदारी बात। तो ये तो कह रहे कमलनाथ जी की सरकार आ रही है इस बार। हाँ उन्हें कर्जा माफ जा रहा, जिला से जा रहा, जिला से बाहर जा रहा, वाह जिले से जा रहा बाहर, कैसे कैसे नहीं जाएगा, जिले से जाएगा उसका काम के हिसाब से, काम उसने गलत किया, गलत किया, गलत किया काम ने। कमलनाथ जी की सरकार बनेगी आप कह रहे हैं कि जिले से? इधर देखिए, हाँ नहीं कमलनाथ जी की सरकार ने, कमलनाथ ने पूरा नाश कर दिया पूरे जिला का, हाँ पूरे जिला जिला का पूरा बर्बाद कर दिया उसने, पूरे पूरे भाई लोग लड़का लोग। ये दोनों इतना रुको 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 भाई साहब, ये कह रहे कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, बनाओगे क्या सरकार? नहीं बनाएंगे, पर 2 लाख रुपए कहाँ उन्होंने घोटाले की? नाच रहे देखिए, 2 लाख सरकार बनवा रहे हो? शिवराज जी की सरकार बनेगी, शिवराज सिंह, हाँ बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बेनफेक्टर बनेगी, हाँ बिल्कुल। छिंदवाड़ा जो गढ़ है कमलनाथ जी का, गया 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 बिल्कुल गया, गढ़ गया गया गढ़ गया, चले जाएंगे भाई, चले जहाँ से आए हूँ चले जाएंगे। बाप दादाओं की जागीर नहीं है कि किसी को भी बोल देते कि आप छिंदवाड़ा के गढ़ हो गए, समझ रहे? यहाँ जो किसी बाप किसी का बाप का राज नहीं चल रहा कि किसी कोई भी आए और बोल दिए कि कमलनाथ का गढ़ है, जो कोई गढ़ नहीं है, जो बरगलाने का काम कर रहे हैं। और नाराज हो गई छिंदवाड़ा की, गुस्से में नहीं है, जो मेरा स्वभाव है, ये मेरा स्वभाव है, यहाँ पे कोई करप्शन नाथ की नहीं चलने वाली,
यहाँ शिवराज मामा ने गरीबों को मकान दिए, जे बाजू में मकान भाई साहब शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा बनवाया गया। अरे लूट रहे नहीं भाई साहब, जे चूती जे कोई अभी बताए ना, इनने आपको स्टेटमेंट दिए, मैंने प्लेन वाली पी के आया हूँ अभी आपको बताए, और मिला भी कहाँ से, करप्शन नाथ ने दिए आपके स्टेटमेंट में दिए भाई साहब, आपने सुने होंगे, और अभी आप वीडियो को बैकअप करवा सकते हैं। यहाँ महिलाएं हैं, महिलाएं पूछिए आपके, इनको 1000 मिल रहे हैं, और जे और अभी मान भैया अब महिलाओं को 1250 रुपए मिलने लगा है यहाँ पर, तो शिवराज सिंह चौहान ने मतलब अच्छी योजनाएं लाए हैं। मामा की सरकार आई, बार बार कह रहे गए मामा आपको यहां मामा आएंगे क्योंकि उनने वैसा काम करके दिखाया, यहाँ मध्य प्रदेश की जनता चाह रही आज भी उनको। क्या बता रहे हैं भैया आप, पीने वाले वाली पी के आ गए हैं और कुछ भी बोल रहे हैं आप, इनकी बातों से समझ रहे होंगे, देखिए उनके तरफ चेहरा कर कि अब हमारी उतर गई, अब हमारी लाडली बहन ही काम लाखों बोलते हैं, दारू पीने के लिए पैसे देते हैं, बेबर बोलते हैं कि आएंगे कमलनाथ सरकार ने तो कोई नहीं बात जाए, दारू पीने के लिए पैसा देते हैं सब बोलते, हाँ उसी के लिए बोलते दारू पीते हैं बोलते हैं, उसके बाद नहीं बोलते, उसके बाद कुछ नहीं बोलते हैं दारू पीने के बाद में। 3000 तक देने के लिए बोल रही, 1500 में काम चलेगा क्या, और वो भी तब इनको दारू पी के आए इसलिए आए, हाँ दारू पी के कर वे भी देते कमलनाथ की बात नहीं, दारू पी है, दारू पिए नहीं पिए हमने, लेकिन ईमानदारी बोलते जो आज दारू पिए ने पूछो उनसे सोता है बोला सरकार कमलनाथ जी नहीं सच बोल रहे झूठ नहीं बोल चलो अच्छी बात है धन्यवाद की जगह आज हो गया आपका दारू पी के बोलते हैं पैसा लोग बीएन से बात करते हैं, कमलनाथ जी पैसा देते दारू पीने के लिए तो पी के बोलते हैं कमलनाथ जी की जय, उसी के लिए बोलते हैं कि कमलनाथ जी के वाने आ रहा है, मगर हम कहते नहीं हम तो कह नहीं रहे, हमने तो आज तक नहीं कह रहे, हमने आज तक नहीं कहा कि कमलनाथ जी आ रहा है।